बोल्डस्काई में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कृतिका वर्मा। सलमान खान ने अपने लेट नाइट बर्थडे बैश में पुरानी दोस्त के साथ लगाए ठुमके, वीडियो हो गया वायरल। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सलमान खान की ओल्ड फ्रेंड सुष्मिता सेन की, जिनके साथ सलमान खान ने अपने बर्थडे बैश पर जमकर डांस किया। देखिए इस वीडियो को। सलमान और सुष्मिता अपनी ही धुन में एक दूसरे के साथ मस्ती से डांस करते दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस वीडियो में पहले सलमान ने सुष्मिता को हग किया और फिर दोनों ने डांस करना शुरू कर दिया। एक बार फिर से सलमान ने सुष्मिता को अपनी बाहों में ले लिया और जोरदार अपनी इस दोस्त को जादू की झप्पी दी। As you know, बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान ने अपने पनवेल फार्म हाउस पर खास दोस्तों और परिवार वालों के साथ 53वां बर्थडे सेलिब्रेट किया। ये तो हम सभी जानते हैं कि सलमान का बर्थडे उनके चाहने वालों के लिए किसी बड़े त्योहार से कम नहीं होता, लेकिन इस मौके पर सलमान ने भी किसी छोटे बच्चे से कम मस्ती नहीं की। सलमान के लेट नाइट बर्थडे बैश का एक ऐसा ही मजेदार वीडियो सामने आया है, जिसमें सलमान सुष्मिता के साथ मस्त मस्त डांस करते दिखाई दे रहे हैं। लीजिए आप खुद इस वीडियो को देख लीजिए। सलमान का परिवार क्रिसमस नाइट से ही सलमान के बर्थडे सेलिब्रेशन की शुरुआत कर देता है। 25 की रात से ही पूरा खानदान अपने खास बॉलीवुड दोस्तों के साथ मस्ती करते नजर आया, तो वही 26 की रात फार्म हाउस पर होने वाला सेलिब्रेशन अपने पूरे खुमार पर था। सलमान की पुरानी बॉलीवुड को-स्टार और बेहतरीन दोस्त सुष्मिता सेन ने गुरुवार सुबह अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर इस बैश का एक वीडियो शेयर किया, जिसमें पहले तो सुष्मिता और सलमान सालों के बिछड़े दोस्तों के जैसे गले मिलते नजर आ रहे हैं। इसके बाद जब दोनों ने डांस शुरू किया तो देखने वाले भी देखते रह गए। वैसे आपको बता दें, वीडियो के साथ सुष्मिता ने सलमान के लिए एक बेहद प्यारा मैसेज भी लिखा है। इस वीडियो को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि सलमान आज भी अपने दोस्तों के कितने जिगरी है। उनके साथ कई साल पहले काम कर चुकी सुष्मिता आज भी उनके लिए बेहद करीब है और इन फिल्मों के बाद अब एक बार फिर से इन दोनों की मस्त मस्त केमिस्ट्री साथ में डांस करते वक्त देखने को मिली। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही, लेकिन आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।